दोस्तों इंसान कैसा है, क्या कर रहा है, उसका दिमाग कैसा है, या सारी चीजें उसके हार्मोन पर ही डिपेंड करती हैं। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन खास तौर पर पुरुषों के अंदर जो मर्दानगी जैसी चीज है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है। कई बार लोग तो अपनी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए गोलियां तक खाने लग जाते हैं ताकि वह घोड़े की स्पीड से दौड़ने लग जाएं, पर यह बात कोई नहीं जानता कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने वाली दवाइयां इंसान को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा देती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको पुरुषों की मर्दानगी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर इसका पूरा झोल क्या है और साथ ही इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। वैसे टेस्टोस्टेरोन महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही बनता है, पर महिलाओं में ये कम बनता है, परंतु पुरुषों में किशोर अवस्था के दौरान इस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पुरुषों के गुप्तांगों और शरीर पर बल आने लगते हैं, मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होने लगता है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज में भारीपन आने लगती है। उसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यह वो हार्मोन है जो पुरुषों की सेक्सुअलिटी और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु बाजार में कई तरह के टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट भी मिलते हैं जिनका सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में अधिक बढ़ जाता है। हालांकि रिसर्च में पता चला है कि ज्यादा लंबे समय तक टेस्टोस्टेरोन लेने पर चेहरे पर मुहासे और अधिक पसीना आने लगता है। इसके साथ ही हार्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पुरुषों को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें चक्कर, उल्टी आना, सुर में दर्द होना और तो और इसके अधिक इस्तेमाल से टेस्टिकल्स छोटे हो जाते हैं। कुछ लोग जिम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसका सेवन करना बंद कर दें। पुरुष टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट तभी लेते हैं जब उनकी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, क्योंकि इससे उनके स्पर्म काउंट कम होता है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है जिससे प्रेगनेंसी का हो पाना मुश्किल होता है। इसी कारण से पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक गोलियों को तैयार किया गया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पुरुषों में गर्भ निरोधक गोलियां क्या है और यह कैसे काम करती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियां अंडे को फर्टिलाइज होने से रुकती हैं। अब अगर यह गोली महिलाओं की जगह पुरुष खाने लगे तो क्या होगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां पुरुषों के शरीर में वह कुछ इस तरह से काम करती हैं, जिसमें वह टेस्टिकल में स्पर्म प्रोडक्शन को रोक देती हैं। लेकिन किसी और तरीके से खून के अंदर टेस्टोस्टेरोन डाल दिया जाए ऐसी किसी दवा के जरिए किया जा सकता है या फिर किसी और तरीके से, लेकिन सबसे आसान होगा शरीर पर टेस्टोस्टेरोन वाली क्रीम लगाकर। ये एक और तरीका है। इस पर मेट्रोजेनेसिस, इस तरीके से स्पर्म को मैच्योर होने में लंबा वक्त लग जाएगा, कुछ सप्ताह की जगह कुछ महीने लग जाएंगे। इस परिस्थिति में स्पर्म सही से तैर नहीं पाएगा और अंडे तक पहुँचने से पहले ही मर जाएगा। दोस्तों अब इसमें दिक्कत यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुरुष जब गोली लेना छोड़ेगा तो सब कुछ फिर से नॉर्मल तरीके से होने लगेगा। यह चीज कई सारे रिसर्च में भी सामने आई है कि बाजार में महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियां पिछले 50 सालों से उपलब्ध हैं, जिसकी अब महिलाएं इस्तेमाल भी करती हैं, लेकिन उस इस्तेमाल से उन्हें जो तकलीफ होती है वो कोई नहीं समझता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो महिलाएं गर्भ निरोधक दवाइयां लेती हैं उनमें भी हार्मोन मौजूद होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से इस प्रकार की दवाइयां आपके शरीर के साथ काफी छेड़छाड़ करती हैं, जिसकी वजह से अक्सर औरतों का वजन बढ़ना, एंजाइटी होना, सिर में दर्द रहना, साथ ही काफी ज्यादा मूड स्विंग भी होते हैं, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां वाकई में बहुत खतरनाक होती हैं, शारीरिक तौर पर परेशानी देती हैं और मोटापा तो सबसे बड़ी परेशानी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।